G20 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी ने विदेशी नेताओं और अहम संगठनों के प्रमुखों का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी जहां सभी के साथ तस्वीर लेते दिखाई पड़े, वहीं उनका बैकग्राउंड बेहद खास रहा। दरअसल फोटो में पीछे एक बड़े से पहिए, एक चक्र को देखा जा सकता है। ये वीडियोज आप देख रहे हैं। बताया गया कि ये ओडिशा का कोणांग चक्र है, जिसके G20 समिट में प्रदर्शन के कई मायने हैं, अहम मायने हैं। दिल्ली में 9 सितंबर यानी आज से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। इस वक्त दुनिया के अलग अलग कोनों से आए विदेशों के तमाम मेहमान भारत में मौजूद हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ओडिशा के कोणांग चक्र के बारे में भी बताया। ये तस्वीरें, ये वीडियो आप देख रहे हैं, जब वो जो बाइडेन को बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि दरअसल इस कोणांग के चक्र की खासियत क्या है और क्यों ये अहम है। लेकिन क्या आप इस चक्र का इतिहास जानते हैं? अगर नहीं तो बहुत संक्षेप में हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि इस कोणांग चक्र का इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, इसका गणित क्या है और इसकी अहमियत क्या है। कोणांग चक्र को 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम के शासन में बनाया गया था। 24 तीलियों वाले इस चक्र को भारत के राष्ट्रीय झंडे में भी शामिल किया गया है। विश्लेषकों के मुताबिक ये चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और स्थापत्य उत्कृष्टता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, कोणांग चक्र लगातार बढ़ते समय की गति, कालचक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का भी प्रतीक है। ये लोकतंत्र के पहिए के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करता है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसकी 24 तीलियां भगवान विष्णु के 24 अवतारों को भी दर्शाती हैं। तो कुछ मान्यताएं कहती हैं कि ये तीलियां 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र को प्रदर्शित करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के वास्तुकारों ने धूप घड़ी बनाने के लिए खगोल विज्ञान के अपने ज्ञान का उपयोग किया था और इसका डिजाइन जटिल गणितीय गणनाओं पर आधारित है, जो कि पृथ्वी के घूमने, सूरज, चांद और सितारों की गतिविधियों को ध्यान में रखकर पूरे दिन और पूरे साल सूरज की गति को एक तरीके से कह लीजिए कि ट्रैक करता है। कोणांग चक्र को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि ओडिशा की शानदार संस्कृति और विरासत को G20 इंडिया में गौरव का स्थान मिला है। कोणांग चक्र एक वास्तु शिल्प चमत्कार है जो समय, स्थान, निरंतरता और भविष्य की सभ्यतागत अवधारणाओं को दर्शाता है। इस चक्र के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत की विरासत, ज्ञान, परंपराओं का महत्व समझाया। ये वाकई एक सुंदर दृश्य है। आपको बता दें कि शनिवार को पीएम मोदी ने भारत मंडपम में दुनिया भर से आए नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आयोजन स्थल पर पहुंचे थे तो पीएम ने उन्हें इस कोणांग चक्र का महत्व बताया। दरअसल पीएम मोदी भारत मंडपम में जिस जगह मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, उसी के बैकग्राउंड में ये कोणांग का चक्र लगा हुआ था और इसी के चलते जब पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत किया तो उनसे हाथ मिलाने के बाद पीएम मोदी कोणांग चक्र के बारे में बताते हुए दिखे। बाइडेन ने काफी ध्यान से पीएम की बात सुनी, वीडियो में आप देख सकते हैं। कोणांग चक्र के साथ साथ भारत मंडपम में कन्वेंशन हॉल के प्रवेश द्वार पर भी 28 फुट ऊंची नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। ये प्रतिमा भगवान शिव को नृत्य के देवता और सृजन और विनाश के रूप में परिभाषित करती है। G20 का जो समिट है वो शुरू हो चुका है और ढेरों तस्वीरें और वीडियोज वहां से आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत तस्वीर, वीडियो सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी कोणांग के इस चक्र के बारे में बताते दिखाई पड़े। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।